हेलो क्लास सेवन। देखिए बेटा, यहाँ तक हमने देख लिया था। यहाँ से स्टमक हमें पढ़ना है। आज स्टमक देखिए, एलिमेंट्री कैनल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने कल जो फूड पाइप पढ़ा था, उसके बाद का जो है स्टमक आता है। स्टमक हमें आज देखना है। स्टमक कैसे देख पढ़ेंगे, देखो, स्टमक इज़ ए थिक वॉल बैग, मतलब इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैट एंड जे। सी, यहाँ भी ये देखो, यही तो है स्टमक, फ्लैट एंड जे, ठीक है ना? ओके, फ्लैट एंड जे। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये सबसे चौड़ा पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, जैसा कि हमने कल देखा था कि फूड पाइप से फूड किस में जाता है? स्टमक में। एट वन एंड, मतलब अगर ये स्टमक है कुछ ऐसा, तो फूड पाइप से इसमें फूड आ जाता है इस स्टमक में। एट वन एंड एंड ओपन्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। एक एंड से फूड पाइप से इसमें खाना आता है पेट में, और दूसरे एंड से, मतलब दूसरे एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं चला जाता है, ठीक है ना? मतलब एक एंड से फूड पाइप से फूड आया स्टमक में, और स्टमक का दूसरा एंड जो होता है वो खाने को कहाँ भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो स्टमक का जो इनर पार्ट है वो क्या क्या सीक्रेट करता है। तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। द एसिड और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द वॉट, दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। खाने के साथ जो कुछ बैक्टीरिया जाते हैं उनको कौन मारता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, क्योंकि एसिड है तो एसिडिक बनाएगा। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको ऐड करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि बैक्टीरिया मार देता है तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं कर पाते डाइजेस्टिव जूस को अपनी क्रिया करने से, अपने जो प्रोसेस है उसको करने से, ठीक है ना? द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये ध्यान आप रखना कि जो पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो ब्रेक करते हैं किसको? प्रोटीन को, और किस में? सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये ध्यान रहे आपको, ये पेट का हो गया, ठीक है ना? अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा? फूड पाइप, अभी मतलब कल से बात में कर, उसके पहले भी हमने कुछ कुछ देखा है। फूड पाइप पढ़ा, फूड पाइप के बाद स्टमक आया था, स्टमक में हमने अभी देखा। अब स्टमक के एक एंड पे फूड पाइप था, तो पहले फूड पाइप पढ़ा, स्टमक पढ़ा अभी। अब स्टमक के बाद हमने क्या बताया अभी कि इससे क्या जुड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, मतलब क्रम से है सब कुछ, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं क्या है। सी, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द हाईली क्वाइल्ड, क्वाइलिंग होती है ऐसे, क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि लगभग कितना, लगभग 7.5 मीटर लंबी जो है, 7.5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। सोचो हमारी हाइट कितनी है, और हमारे पेट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अकेला 7.5 मीटर का। तो हाउ, एक बार गूगल करिएगा, देखिएगा उसको किस हिसाब से वो पेट में एडजस्ट होती है 7.5 मीटर। तो अब ध्यान देना अब कि ये लेंथ कभी कभी पूछ ली जाती है किसी किसी एग्जाम में कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लगभग लगभग क्या होती है लेंथ। तो आपको पता होना चाहिए 7.5 मीटर के करीब, या 7 के करीब 8 के करीब, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 7.5 के करीब होती है, ठीक है। इट रिसीव्स सीक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सिक्रेशन रिसीव करता है कहाँ से? एक ग्लैंड होता है लीवर, और एक होता है पैनक्रियाज। दोनों कहाँ होता है अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ से वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं लीवर और पैनक्रियाज, और उसको रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होते हैं वो भी क्या जूस सिक्रेट करते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तीन जगहों से पाता है कुछ ना कुछ, लीवर से, पैनक्रियाज से, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल खुद में भी जो है क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं कुछ ना कुछ जूस, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब अलग अलग ग्लैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा से बताया भी गया है, अलग अलग सिस्टम के बारे में। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एबडोमेन ऑन द राइट साइड, राइट साइड में होता है ना,
ये लीवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी तो दैट इज़ लीवर। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। दैट इज़ स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ध्यान देना कि सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो लीवर होता है, लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है और वो कहाँ स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर में। ये दो तीन चीज़ें आपको एकदम पता होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है और वो स्टोर होता है जहाँ, उसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो दो तीन चीज़ें हैं कि बाइल जूस निकलता है कहाँ से, लीवर से, लीवर से निकलने के बाद स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। अच्छा बाइल जूस किसके पाचन में या किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो फैट्स के, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो डिस्कस कर लिया इन्होंने लीवर के बारे में, अब पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा देख लो। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे पैनक्रियाज होता है। द पैनक्रियाटिक जूस, ये भी सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, फैट के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। देखो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे ना, वो क्या करेंगे, जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैट को सिंपलर फॉर्म में, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में। तो पैनक्रियाटिक जूस भी वही कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। ठीक है बेटा, ये है ना। अब ये थोड़ी सी एक स्टोरी दी हुई है, ये आप लोग अपने से पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क, कुछ है नहीं इसमें, बस इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो है पेट के बारे में कैसे पता चला, क्या क्या हुआ था, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप। चलिए पढ़िए, नहीं पढ़िए लेकिन एक बार आप अपने से प्रयास करें, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करूँगा कि क्यों पेट क्या है, कैसे है। एक दुर्घटना कुछ हुई थी जिससे पेट के बारे में पता होता चला था, ये है इसमें, एक बार इसको अपने पे से पढ़िए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आगे चलते हैं, ओके। अच्छा क्या हुआ था, यहाँ तक इन सिंपल फॉर्म्स यहाँ तक हो गया था ना, ठीक है। अब आगे यहाँ से देखते हैं, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट द स्मॉल, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ ये कुछ हो जाता है तो लोअर पार्ट में पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, कौन कौन पहुंचता है, एक सेकेंड बेटा, फूड लोअर पार्ट में पहुंचता है, फूड, ठीक है, लोअर पार्ट में पहुंचता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कुछ बचा उचा होता है ना ऊपर पेनक्रियाज और लीवर से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ जूस क्रिएट करता है, वो जो बचा खुचा होता है वो उस जूस से जो है, इंटेस्टाइनल जूस से जो है वो पच जाता है, ठीक है ना। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इंटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक होता है किस में, वो भी सिंपलर फॉर्म में होता है, वो किस में जाता है, ग्लूकोज में जाता है। फैट किस में जाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में जाते हैं, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि शुगर किस में, किस किन में ब्रेक होगा, शुगर ग्लूकोज में भी हो सकता है और में भी हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज एक टाइप है ना। फैट किस में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में, अमीनो एसिड में। तो एक मोटी मोटा आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि शुगर अगर है तो नॉर्मली ग्लूकोज में ही जाता होगा, फैट्स अगर है तो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में जाता होगा, और प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में जाता होगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम था, पेनक्रियाज और बाइल जूस से लेके और अपना भी इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट करके सब कुछ बचाना, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप करिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, कोई डाउट हो तो पूछे। थैंक यू।